नमस्कार दोस्तों, वीएच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। दुनिया में टेनिस के मुख्यतः तीन सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं, स्पेन के राफेल नडाल, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और अब जोकोविच को लेकर ही खुलासा हुआ है कि उनके साथ सेक्स वीडियो बनाते हुए वीडियो बनाना था, उन्हें सिड्यूस करना था और फिर जोकोविच के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो से जोकोविच के करियर को बर्बाद करना था। ठीक वैसे ही जैसे कई बार फिल्मों में भी देखा गया है। और इस काम की जिम्मेदारी मिली जोकोविच के देश की ही एक बेहतरीन और हॉट मॉडल नतालिया स्केकिच को। अब क्या है पूरा मामला, वो आपको बताते हैं। दरअसल नतालिया ने दावा किया है कि उन्हें जोकोविच को बर्बाद करने के लिए 50 लाख का ऑफर मिला था, जहां उनसे कहा गया कि उन्हें जोकोविच को किसी तरह से फंसाकर उनके साथ इंटीमेट होना होगा और ये सब एक हिडन कैमरे से शूट करना होगा। पहले आप ये भी जान लीजिए कि ये मॉडल कौन है। मॉडल का नाम है नतालिया स्केकिच, जो कि पेशे से एक मॉडल है और बोल्डनेस को लेकर चर्चाओं में भी रही है। इंस्टा पर कई बोल्ड तस्वीरें भी हैं, लेकिन इस बार उनका नाम नोवाक जोकोविच के साथ सामने आया। कैसे? दरअसल यूरोपियन स्वेट एंड स्कैंडल नाम की एक मैगजीन में नतालिया स्केकिच ने बताते हुए कई खुलासे किए हैं। नतालिया कहती है कि एक शख्स ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया जिसे मैं लंदन से जानती थी और जिसे एक गंभीर लड़का भी मानती थी। जब उसने मुझसे डेट के बारे में कहा तो मैंने सोचा कि यह बिजनेस से जुड़ा मामला होगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने मुझसे नोवाक को फंसाने, रिझाने और उसके साथ सेक्स करने के लिए 60,000 यूरो का ऑफर दिया, जिसको वो रिकॉर्ड करेगा। 50 लाख रुपए के अलावा शख्स ने मुझे दुनिया में मेरी मर्जी से कहीं भी घूमने का बड़ा ऑफर भी किया। ये सब सुनकर मैं दंग रह गई। हालांकि नतालिया बताती है कि वो थोड़ी देर के लिए ये ऑफर सुनकर पहले तो हंस पड़ी थी, उन्हें लगा कि ये सब उनके साथ मजाक हो रहा है, शायद कोई हिडन कैमरा लगा है। लेकिन उस शख्स की गंभीर आंखों से कुछ देर में समझ जब मुझे आया तो मैंने खुद को बहुत गिरा हुआ और अपमानित महसूस किया। मैंने उसका ऑफर ठुकरा दिया। मैं उस शख्स को पीटना चाहती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान था। जिसके बाद मैं अपने सामान को समेटकर चल दी और मुझे लगता है कि आगे भी उस शख्स को ऐसी कोई दूसरी लड़की ना मिली हो जो हमारे शानदार दुनिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी के जीवन को बर्बाद करना चाहे। हालांकि ये खबर सामने आने के बाद कई टेनिस प्रेमी इस मॉडल को थैंक यू भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि खुद को फेमस और पब्लिक अटेंशन लेने के लिए इस मॉडल ने ये कहानी बनाई होगी, क्योंकि कौन वो शख्स था इसका जिक्र नतालिया ने नहीं किया है। आप सर्बियाई खिलाड़ी और मॉडल की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।